सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और इस घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे, आपके सुंदर से फोन में पहुंचे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई रेटेड सामन गुप्ता। तो हमारी वर्ल्ड पावर मेडी चल रही थी जिसके पार्ट 5 पहले ही अपलोड हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हो तो वो देख ले, क्योंकि जब तक अच्छे तरह पार्ट नहीं देखते तब तक मज़ा नहीं आता ना ही पढ़ने का ना ही पढ़ाने का। तो इसलिए वो पहले पार्ट देख लें। चलिए वीडियो शुरू कर दें बिना किसी देरी के। क्या होता है? रूट वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है। एक रूट वर्ड से बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है ओ आर वाई। ओ आर वाई यानी कि एडजेक्टिव सफिक्स। अब आता है एडजेक्टिव सफिक्स ओ आर वाई भी होता है, आई सी भी होता, मतलब जिसके लास्ट में ये सब आ जाता है तो वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव सफिक्स। आई सी ए एल होता है, ए एल आ जाता है तो वो भी एडजेक्टिव सफिक्स होता है। अब सेकंड रूट वर्ड स्क्रिबो या फिर स्क्रिप्टस, इसका मतलब होता है टू राइट, यानी कि जैसे मैन्यू स्क्रिप्ट होता है तो मैन्यू हाथ के लिए बोला जाता है, हाथ हैंड के लिए, और स्क्रिप्ट यानी कि लिखने के लिए बोला जाता है। पहले जो है हाथ से ही सब लिखते थे, अब तो पेन हो चुके हैं, पहले तो हाथ था और मोर के पंख से लिखते थे सब, तो मैन्यू स्क्रिप्ट यानी कि हस्तलिपि होता था। तो स्क्रिप्टस का मतलब होता है लिखना। थर्ड आता है डी, डी का मतलब डाउन यानी कि नीचे की तरफ। फोर्थ आता है मैनस, मैनस का मतलब हैंड होता है। मैंने भी बताया मैन्यू स्क्रिप्ट, मैन्यू का मतलब हैंड होता है, हाथ होता है। फिफ्थ आता है सब, सब यानी कि अंडर। सिक्स आई एन, आई एन यानी कि इन होता है, इन टू भी होता है, और आई एन एक नेगेटिव सफिक्स भी होता है, आई एन नेगेटिव सफिक्स भी होता है। सेवन्थ आता है पोस्ट, पोस्ट यानी कि आफ्टर, उनकी कुछ चीज़ बाद। फिर आता है एट्थ इनकी विया, विया यानी कि किसी के साथ या फिर रोड सड़क। नाइन्थ आता है ट्राई, ट्राई यानी कि थ्री तिगड़ा, तो ट्राई मतलब थ्री। टेंथ आता है मिलाइटिस, मिलाइटिस का मतलब सोल्जर होता है। आप सब ने मिलिट्री तो सुना ही होगा, मिलिट्री में लोग रहते हैं तो, और वो कैसे लोग होते हैं, सोल्जर होते हैं, आर्मी होते हैं, तो मिलाइटिस का मतलब सीधा सीधा सोल्जर हो गया। इलेवेंथ आता है मैलुस, मैलुस का मतलब आप मैल से याद कर सकते हैं, यानी कि जिसके शरीर पे बहुत सारा मैल होता है तो सब उसको बोलते हैं कि नहाता वहाता तो है नहीं, हर जगह तो मैल भरा पड़ा रहता है, तो इसलिए मैलस मतलब बैड या फिर इवन। ट्वेल्थ होता है डिस्को या डिक्टस, तो इसका मतलब कुछ कहना। थर्टीन आता है वोलो यानी कि विश करना। फोर्टीन आता है फेशियो या एफ ई सी एफ आई सी एफ वाई, तो इसका मतलब कुछ भी करना या टू डू या फिर बनाना मेक होता है। फिर फिफ्टीन आता है ई एन सी, ई एन सी ये नाउन सफिक्स। अब नाउन सफिक्स ई एन सी ही हो गया, ई एन सी, ई एन सी हो गया, एम ई एन टी भी नाउन सफिक्स होता है, आई टी वाई भी नाउन सफिक्स होता है, वाई भी नाउन सफिक्स होता है, तो ये सब नाउन सफिक्स, ओ आर वाई भी नाउन सफिक्स होता है, तो ये सब नाउन सफिक्स हो गया। सॉरी सॉरी, ओ आर वाई एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ये सब नाउन सफिक्स होते हैं, मतलब लास्ट में जिसमें आ जाए, जैसे इक्वालिटी, इक्वालिटी मैंने प्रीवियस पार्ट में कराया था। आई टी वाई नाउन होता है और इक्वा यानी कि इक्वल, तो इक्वालिटी का मतलब है समानता। फिर आता है फोर्टीन्थ, अब चलिए शुरू करते हैं। फिफ्टीन्थ हो गया ई एन सी, ए एन सी यानी कि नाउन सफिक्स। अब चलिए शुरू करते हैं आज के वर्ड। सबसे पहले टिटिलेशन आता है, टिटिलेशन मतलब गुदगुदी करना, यानी कि प्लेजर भी, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन यानी कि प्रोत्साहन करना, कैसा प्रोत्साहन करना, तो प्लेजर यानी खुशी से प्रोत्साहन करना, इसका मतलब है गुदगुदी करना या टिकलिंग भी बोल सकते हैं। अब आता है एडोलेशन, एडोलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना या फिर कुछ भी विश करना, यानी कि वर्शिप हो गया या फिर एक्सेसिव यानी कि अति अधिक
फ्लैटरिंग इनकी चापलूसी। अब आईओ एन इनकी एडुलेशन, एडुलेशन आई यू एन इनकी ये नाउन सफिक्स होता है, और एडुलेशन कैसे भी याद कर सकते हैं कि उसका डोला निकल गया उसकी चापलूसी करी, तो इसलिए एडुलेशन यानी कि चापलूसी, या फिर उसके डोले की तरह मुझे भी डोला चाहिए, इसका मतलब विश करना भी हो सकता है, तो वर्शिप या फिर एक्सेसिव फ्लैटरी यानी कि बहुत ही ज़्यादा चापलूसी। थर्ड आता है प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन प्रोस्क्रिप्शन मतलब प्रोहिबिशन होता है, ये कुछ मतलब कि रोकना, ये छुटकारा पाना, प्रोहिबिशन। तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब कुछ लिखना, लेकिन प्रो का मतलब होता है कुछ चीज़ पहले करना। इसका मतलब किसी ने बोल दिया कि सबसे पहले लिखो, यानी कि कुछ भी काम कर रहे थे उसने बोल दिया कि सबसे पहले ये चीज़ को लिखो, तो मतलब सभी काम को छोड़ के पहले ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, तो मतलब सभी काम को रोक दिया हमने, प्रोहिबिट कर दिया, प्रोहिबिशन ही रोकना। या फिर बिना ट्रिक के भी वैसे तो प्रोस्क्रिप्शन प्रोहिबिशन दोनों एक ही हैं। फोर्थ आता है मिलिटेंसी। मिलिटेंसी यानी कि मैंने अभी बताया था मिलिट्री, मिलिट्री जिसमें लोग रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, तो मिलिट्री का मतलब, मिलिट का मतलब तो सोल्जर हो गया, सैनिक, और ए एन सी यानी कि नाउन सफिक्स। तो मिलिटेंसी का मतलब होता है एग्रेसिवनेस, एग्रेसिव यानी कि आक्रामकता, कुछ भी चीज़ करने का जुनून, आक्रामक, वो होता है मिलिटेंसी। अब आता है फिफ्थ मैलिग्निटी, मैलिग्निटी मैलिग्निटी मैलिग यानी कि मैल यानी कि गंदा, बैड या इवन, आईटीवाई यानी कि नाउन, यानी कि मैलिग्निटी जो होता है उसका मतलब होता है हार्मफुल, हार्मफुल या फिर हेटफुल, हार्मफुल या फिर हेटफुल, यानी कि मैलिन की जो जिसके सिर पे मैलिन गंदा सा बैड हो गया, और फिर सब बोलेंगे उसके पास मिलते, यानी कि वो हार्मफुल हो गया, तो मैलिंग मिटिन के हार्मफुल। सिक्स आता है मेलेडिक्शन। मेलेडिक्शन आपको पता होगा, एडिक्शन का मतलब आदत होता है, एडिक्शन 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 ADI, एडिक्शन मतलब आदत होता है, तो एडिक्शन तो है लेकिन आदत है, लेकिन कैसी आदत है, मैल को रखने की, यानी कि बैड या फिर एवन, तो इसको मैल एडिक्शन को इसका मतलब है श्राप बोल दिया, कर्स यानी कि श्राप बोल दिया, अकर्स यानी कि श्राप बोल दिया, मैल एडिक्शन को कर्स यानी कि श्राप बोल दिया। फिर आता है सेवन्थ माला ड्रॉइटनेस, माला ड्रॉइटनेस, एनी डबल एस नाउन होता है, एड्रॉइट यानी कि कुशलता होती है, लेकिन कैसी कुशलता, मेल को रखने की कुशलता, यानी कि बैड या फिर एवन, यानी कि इसका मतलब मेल को रखने को कुशलता तो होती नहीं है, सबको पता होगा, तो इसलिए मालअड्रॉइटनेस का मतलब अकुशल है, अकुशल यानी कि जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं है, अकुशल। तो इसका जो असली मीनिंग होगा वो है क्लम्सीनेस, क्लम्सीनेस यानी कि भद्दापना, भद्दोपना। फिर आता है ऑब्विएशन, ऑब्विएशन ऑब्विएशन का मतलब होता है प्रिवेंशन यानी कि रोकना, किसी चीज़ से छुटकारा पाना या फिर प्रिवेंशन इनकी रोकना। IUN, चलो इसको पोस्टमार्टम करते हैं, IUN इनकी नाउन होता है, ओवियेशन आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, वैसे विया का मतलब रोड होता है, और ओवियेशन इनकी अब इस रोड से नहीं जाएंगे, यानी कि ओवियेशन छुटकारा पाना, इनकी प्रिवेंशन करना, ऑब्विएशन यानी कि छुटकारा पाने की प्रिवेंशन होता है। फिर
फिर अब नाइन्थ सेंटेंस मेली वोलेंस आता है, मेली वोलेंस MALEVOLENCE, मेली वोलेंस। वॉल का मतलब मैंने रूट वर्ड बताया, वॉल का मतलब है विश करना, कुछ भी चीज़ को विश करना। किसकी विश करना, इनकी बैड या फिर एवल की विश करना। ENC का मतलब नाउन होता है, तो मैलिवोलेंस इनकी किसी के प्रति बुरा करने की कुछ चाह रखना कि उसके साथ बुरा ही हो जाए, ऐसा हो, कोई कोई बोलता है ना कि उसके साथ बुरा ही हो जाए, तो मैलिवोलेंस। यानी कि इसका जो असली मीनिंग होगा तो वो है क्वालिटी ऑफ विशिंग एवन, यानी कि क्वालिटी गुड होना। किसकी गुड होना, तो विश करने की, बुरा करने की किसी के लिए, या फिर इलविल होना है, बुरा करने की विल होना है, या फिर इच्छा होना। 10th वर्ड यानी कि आज का लास्ट वर्ड जो आता है, मेलेस। मेलेस का मतलब होता है रोग या फिर अस्वस्थता, यानी कि वैग्यू फीलिंग ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट यानी कि कम्फर्ट, यानी कि आरामदायक, डिस्कम्फर्ट यानी जिसमें आराम नहीं मिलता हो, बैडली, बुरी तरह। और क्या चीज़, तब वैग्यू फीलिंग है अस्पष्ट फीलिंग ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट, यानी कि हमारे शरीर में हर जगह दर्द हो रहा है, तो वो डिस्कम्फर्ट हो गया, बॉडी का डिस्कम्फर्ट हो गया, और अजीब सी कुछ फीलिंग आ रही है, तो मेलेस यानी कि अस्वस्थता। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं, और जिसने हमारे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो वो देख लें, क्योंकि जब तक सारे पार्ट नहीं देते तब तक पढ़ाने का मज़ा नहीं आता, पढ़ने का भी मज़ा नहीं आता। और इस बुक का नाम है वर्ड पावर मेडिसी, जो कि नॉर्मन लुईस के द्वारा लिखी गई है, और मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बाय।